हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम आज आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही रुझानों का दौर शुरू हुआ तो जनता की नज़र सीधे नतीजों पर थी। इसी के बीच अर्थ प्रकाश पर लोगों ने अपनी राय भेजनी भी शुरू कर दी। चलिए आपको दिखाते हैं। बताएं, ये हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, ये जेजेपी का लगता है आपको जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? सर, जिस हिसाब से अभी तक रुझान आ रहे हैं तो पहले तो पहला फैक्टर तो मोदी फैक्टर है, वो तो है ही। इसी हिसाब से बीजेपी को अभी तो लीड मिल रही है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि बीजेपी जादुई आंकड़ा तो नहीं छू पाएगी। और कांग्रेस और जेजेपी वालों का अगर गठबंधन होता है तो बहुत सही है, बहुत। तो मैं तो चाहूंगा कि वो दोनों ही उनका गठबंधन हो और एक गठबंधन की सरकार बने, कांग्रेस जेजेपी की सरकार। ना जी, जैसा आपने कहा मोदी का जादू है, पक्की मोदी का जादू तो कम होता दिख रहा है सारे राज्य में। बिल्कुल सर, बिल्कुल कम होता दिख रहा है और होना भी चाहिए। और फिर आगे आने वाले चुनाव में क्या राय है आपकी मोदी ने? सॉरी, आगे आने वाले चुनाव में मोदी को क्या राय है आपकी, जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे? ना सर, इधर थोड़ा झुनू झुनू टाइम आगे जाता है, आगे से दिल्ली का चुनाव है। ना ना ना, वो तो कोई सर सबके में खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। अभी की वोटिंग को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, बट वो भी बहुमत के साथ नहीं। बट अगर कांग्रेस को आना है तो उसको जेजेपी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। और बाकी रही मेरी बात, मैंने वोट दिया है बट मैं नहीं बताऊंगा किसको। आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी, आई सपोर्ट एन इंडिविजुअल। जिस इंडिविजुअल में मुझे लगता है कि हाँ वो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, मैं उसी को वोट दे के आया हूँ और उसी को देता रहूंगा। जय हिंद। देखिए, वैसे तो जिस हिसाब से काउंटिंग अभी चल रही है और जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो बीजेपी आएगी, बीजेपी के जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर जेजेपी और कांग्रेस अलायंस कर लेती है, एक साथ आ जाती है, तो मुझे लगता है वो भी जीत सकते हैं। बट लेकिन जो उनका उनकी जो मांग है, जेजेपी की जो मांग है, उससे कांग्रेस थोड़ी सहमत नहीं है, सहमत। क्योंकि जेजेपी कह रही है कि उन्हें अगर वो अलायंस में आती है तो उन्हें सीएम का पद चाहिए होगा, जो कि शायद उनकी तरफ से ये मुमकिन नहीं हो पाएगा और ये उम्मीदवार को वो खारिज कर रहे हैं। तो उनका अगर आता है तो शायद ये अनबन की वजह से वो शायद ना भी आए, शायद अलायंस ना भी हो। बट अभी तक जो चांसेस हैं वो बीजेपी की हैं, और बीजेपी के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने काम भी किया है, जगह जगह काम किया है, कोई एक काम नहीं किया है, बहुत काम किए, विकास की तरफ उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। तो बीजेपी जीत सकती है, और मेरे को जीत सकती है क्या, मेरे को तो लगता है जीतेगी ही, क्योंकि अगर और कोई विकल्प भी अच्छा नहीं है। और जिस हिसाब से बीजेपी अभी तक चल रही है, जिस हिसाब से उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो अपना सर्जिकल स्ट्राइक हो या अभी 370 धारा हटानी हो, जो कांग्रेस वैसे ही 60 सालों में कभी नहीं कर पाई थी। देखो, करने में और बातें करने में फ़र्क है, तो बीजेपी अगर कह रही है तो कर भी रही है, तो उन्होंने काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आएगी और बीजेपी आनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पे सर आपका क्या कहना है? सर, आई थिंक बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन वो बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, बाकी कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी। बट ये है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के साथ जाना फोन करेंगे, और जेजेपी वाले भी कंपटीशन दे रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, और हो सकता है कांग्रेस बाकी इंडिविजुअल कैंडिडेट के साथ मिलकर बना लेगी। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पे आपका क्या कहना है? सर देखो जी, कहना क्या है, हमारा तो सीधे बंदे हैं, कांग्रेस जीत रही है जी। रोहतक का देख लो, झज्जर का देख लो, पानीपत का देख लो, हरजा फरीदाबाद का देख लो, कांग्रेस जीतने की पूर्ण बहुमत है अपना तो। और बाकी बात नहीं, जेजेपी की वो आगे अपने साथ है, और भाई भाजपा का तो पूरा समाया करना है पूरे देश का भाई, और ऐसी बात नहीं है, भाजपा के भी समर्थक है वहां। बट हरियाणा में भाई फिलहाल तो कांग्रेस का जोर है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।